फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। इम्प्लांटेशन यानी कि जब बच्चा हमारे गर्भ में चिपकता है, उस दौरान महिलाओं को कैसा महसूस होता है, क्या लक्षण नजर आते हैं, क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, और इम्प्लांटेशन होने के कितने दिन के बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना होगा। और काफी महिलाओं को इम्प्लांटेशन की नॉलेज ही नहीं होती है कि इम्प्लांटेशन होता क्या है और क्या पीरियड मिस होने से पहले हम अपनी प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे डाउट्स आपके एक ही वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। मुझे काफी कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन्हीं कमेंट्स को पिक मैंने आज इस वीडियो में किया है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके डाउट सारे क्लियर होंगे, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए वीडियो, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन होता कब है, होता क्या है इम्प्लांटेशन। मान लीजिए अगर आपका पीरियड साइकिल 28 डेज का है, तो 28 डेज से पहले 14th डे आपको माइनस करने हैं, यानी कि 28 डे का अगर आपका पीरियड साइकिल है, तो 14 तारीख को आपको ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन के टाइम में आपके ओवरी से एक अंडा निकलकर आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है। इन बिटवीन अगर आप संपर्क में आती हैं, मेल स्पर्म और फीमेल एग आपस में मिलते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन वही फैलोपियन ट्यूब में होता है 14th डे, ठीक है। 28 डे का अगर आपका पीरियड साइकिल है, वही 30th डे का पीरियड साइकिल है, तो 16-17 डे में आपका ओवुलेशन हो सकता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एकदम से आके आपके गर्भ में चिपकेगा, नो। 3 दिन तक धीरे धीरे करके वो फैलोपियन ट्यूब में ही मतलब आगे बढ़ता रहता है, मैच्योरिटी होती रहती है, सेल्स में डिवाइड होता रहता है, धीरे धीरे करके 4th-5th दिन में आपके यूट्रस में आता है, और एकदम से आके नहीं चिपकेगा, वहां पर भी धीरे धीरे करके जगह ढूंढता है, फिर आकर चिपकेगा। और जब चिपकता है तो उस दिन आपको बहुत से लक्षण महसूस हो सकते हैं, आपकी बॉडी में बहुत से चेंजेस आने लगते हैं। लेकिन चिपकता कब है, इम्प्लांटेशन होता कब है, ओवुलेशन डेज के 6-7 दिन के बाद। मान लीजिए 28 डेज का आपका पीरियड साइकिल है, तो आपको 14th को ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के दौरान आप संपर्क में आई, उसके बाद 7 दिन आप माइनस कर लीजिए, उस दिन आपका इम्प्लांटेशन होगा। उसी दौरान जब बच्चा गर्भ में चिपकता है, तो उस दौरान आपकी बॉडी से बच्चे को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रन, ऑक्सीजन सब कुछ मिलता है, और आपके बॉडी के अलग अलग हिस्सों में आपको चेंजेस महसूस हो सकते हैं। तो आप कैसे कंफर्म हो कि बच्चा चिपक गया है? जब बच्चा 6-7 दिन के बीच में आपके गर्भ में आके चिपकता है, उस दौरान बच्चा चिपकेगा तो वहां पर हल्का सा आपको क्रैम्प महसूस हो सकता है। क्रैम्प इन द सेंस पीरियड जैसा क्रैम्प नहीं होगा और पीरियड वाले दिन नहीं होगा, ये पीरियड आने से कुछ दिन पहले होगा। मान लीजिए 20-24 दिन के बीच में आपको ये क्रैम्प पर्टिकुलर एक एरिया में फील होगा। ज्यादातर महिलाओं को लोअर एब्डोमिन में ये क्रैम्प महसूस हो सकता है, और इस क्रैम्प को आप पीरियड से कंपेयर करना जरूर सीखें। पीरियड का क्रैम्प बहुत ज्यादा होता है और ये क्रैम्प बहुत कम होता है। दूसरा चेंजेस आता है जब बच्चा चिपकता है, उस दौरान आपको माइनर सी बहुत कम स्पॉटिंग हो सकती है, जो कि आपको पिंकिश कलर की, ब्राउन कलर की हो सकती है, लेकिन पीरियड वाले दिन आपको ये ब्लीडिंग नहीं होती है, ये इम्प्लांटेशन वाले दिन या उसके एक दिन बाद आपको ये जो स्पॉटिंग है वो महसूस होती है। और पीरियड का जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज्यादा फ्लो होता है, इसका फ्लो नहीं होता, यानी कि फ्लो होता ही नहीं है, काफी महिलाओं को ये ब्लीडिंग दिखती भी नहीं है। अब प्रेगनेंसी हार्मोन्स एक्टिव हो चुके हैं, आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस आएगी, क्योंकि होल बॉडी में अब ब्लड की सर्कुलेशन बहुत तेजी से होने लगी है, बच्चे तक प्रॉपर मात्रा में अब दिमाग जो है आपका वो ब्लड का सर्कुलेशन देता है, ब्रेन एक मैसेज पास ऑन करेगा कि बच्चे का इम्प्लांटेशन हो गया है। प्रॉपर तरीके से अब काम आपकी यूट्रस में होता है, और आपकी ब्रेस्ट में नीली रंग की रेखाएं दिखने आपको लगती हैं, क्योंकि अब जो है दूध बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इस दौरान आपको आपकी बॉडी बहुत थकी थकी महसूस होगी, क्योंकि अब शरीर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है, आपको ज्यादा नींद आने लगती है, हर वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आप थके हुए हो, आपका काम करने का मन नहीं करता है, आपको वॉमिटिंग होती है, या जब बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है प्रेगनेंसी हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है, लेकिन वॉमिटिंग की जो समस्या है 60% महिलाओं में ही होती है। आपको इस दौरान हेडेक की समस्या होती है जब बेबी का इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन सही मायने में आपका 20-24 दिन के बीच में होता है। मुझे मेरी काफी वीडियोस में कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किनके कमेंट आ रहे हैं। अगर आप
मुझे परमिशन देंगे तो मैं नाम भी आपका ले सकती हूँ, लेकिन ऐसे विदाउट परमिशन आपका नेम मैं नहीं लेना चाहूंगी। उनका कहना यह है कि मेरी पीरियड की डेट जो है वो मिस हो चुकी है और मुझे 5 से 6 दिन पहले हल्की सी स्पॉटिंग हुई थी, अब मुझे 2 दिन तक ब्लीडिंग रही है और अब मुझे फिर से स्पॉटिंग हो रही, तो क्या मेरा गर्भधारण हो गया है? ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ब्लीडिंग हुई है, ज्यादा ब्लीडिंग हुई है, और तो इसका मतलब ऐसा है कि आपका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ था, आपका गर्भ नहीं रुका था। देखिए फ्रेंड्स, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपका दिल तोड़ूं कमेंट्स में रिप्लाई करके, तो मैं काफी कमेंट्स ऐसे होते हैं मैं जिनका रिप्लाई नहीं करती, तकरीबन 99% जो पर्सन है उनका कमेंट का रिप्लाई मैं करती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, उसी वे से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, तो आपके डाउट जरूर क्लियर हुए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। मन में अभी भी कोई शंका हो, डाउट हो, तो प्लीज मुझे कमेंट आप जरूर करें, आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। आप कल मिलते हैं सेम टाइम एक और नई वीडियो में। नमस्कार।